भारत के दिग्गज कलाकारों ने कुरआने करीम फुरकाने हमीद की तिलावत करी। जी हाँ, इंडियन एक्टर्स रिसाइट कुरआन शरीफ। पर इस्लाम से तो एक्टर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे अपने दिलो दिमाग में, पर ताल्लुक है। देखिए, अल्लाह सुबहान व ताला जिसको चाहे उसको हिदायत दे दें और जिसको चाहे उसको गुमराही में डाल दें। ये आयत हम सभी ने पढ़ी है और ये बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही एक आम इंसान है जिनका पेशा बेशक अलग है हम सबसे, पर हिदायत तो उनको भी मिल ही सकती है। जैसे कि आप जायरा वसीम को देख लीजिए, बाल कलाकार, छोटी सी थी वो जब वो बॉलीवुड में अटमोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी, बट स्टिल ईमान आया एंड शी लेफ्ट द इंडस्ट्री। सेम हैपन्ड विद सना खान। रिसेंटली एक छोटे पर्दे के एक्टर हैं विवान डिसेना, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, वो तो इस रिलीजन से बिलोंग भी नहीं करते थे। ऐसी वारदात हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो मैं अल्लाह सुबहान व तआला से एक ही छोटी सी दुआ मांगना चाहती हूँ कि दुनिया के हर इंसान को हिदायत नसीब फरमाए। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं भगवान से भी एक प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया के हर इंसान को सद्बुद्धि मिले। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सुष्मिता सेन को तो आपने कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते देखा ही होगा। ये सब वो लोग हैं जिनसे इंडिया की यूथ बहुत इन्फ्लुएंस रहती है। तो अगर ये छोटी सी भी कोई पॉजिटिव हरकत करते हैं ना, तो उससे देश के युवा पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। सुनिए, सबका मालिक ना एक ही है, क्योंकि हम सब एक ही तरीके से तो डिजाइंड है। किसी भी इंसान के इतनी सी भी चोट लगेगी ना तो खून ही निकलेगा, कोई सतरंगी मिश्रण कभी नहीं निकलने वाला। कोई करता है प्रार्थना भगवान से, तो कोई मांगता है दुआ अल्लाह सुबहान व ताला से, पर वो जाती उस एक ही मालिक को खालिक के पास है, दैट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गॉड ऑलमाइटी। दोस्तों, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जो न सिर्फ मुसलमानों के दिलों में उतर जाती है, बल्कि दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स जब इस किताब को खोलता है या छूता है, पहले छूते ही उसके दिल में ये किताब उतर जाती है। जब इसको ग्रेट, पढ़ने की कोशिश की जाती है, इसका तर्जुमा समझा जाता है, दुनिया के किसी भी मजहब का शख्स आज तक कोई ऐसा सामने नहीं आया जो कुरान पाक की एक आयत को भी चैलेंज कर सके, या ये कह सके कि ये बुनियादी इंसानी फलसफे से अलग है, या ये कह दे कि इसमें बयान किए गए हकायक खुदा नखास्ता नाउज़ु बिल्ला गलत हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की बरकात और फजीलत से यकीनन आप वाकिफ होंगे। हमने दुनिया में बड़े से बड़े मरीज को तिलावत कलाम पाक सुनते ही या उन पर दम फूंकते ही सेहतयाब होते देखा है। कुरान करीम के मौजजात तो पूरी दुनिया जानती और मानती है, लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान मजीद को ना सिर्फ पढ़ा समझा बल्कि तस्लीम भी किया है। दोस्तों, ये वो शख्सियात हैं जो आप सबको पसंद हैं, और ये तमाम वो शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान पाक के जरिए इसको समझकर, इसके फलसफे को समझते हुए अपनी रूह को तस्कीन दी है, दिल को करार बख्शा है। दोस्तों, भारत के बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, मगर उनकी कुछ आदात ऐसी हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में भारत के सबसे बड़े जाने माने सुपरस्टार अदाकार अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया किया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कुरान पाक की कुछ आयात भी शेयर की और बताया कि किस तरह से वो अपने दिल को इत्मीनान और सुकून बख्शने के लिए कुरान पाक का मुतालिया कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि हम आपको बताएंगे कि भारतीय कितने बड़े बड़े अदाकार हैं जो इस्लाम और कुरान पाक का किस हद तक एहतराम करते हैं। दोस्तों, आपसे इल्तवास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, ताकि आप इस पूरी वीडियो में बयान किया गया फलसफा खूबसूरती से समझ सकें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा सकें। अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक के हवाले से जो आयात शेयर की उन पर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि भारतीय अदाकार सलमान खान वो शख्सियत हैं जो कि जब कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और आजान की आवाज आने लगे तो वहीं पर सबको खामोश करवा देते हैं। एक ऐसा वाकया भी पेश आया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आजान होने लगी, जैसे ही कलाम पाक और अल्लाह का कलाम उनके जहन और कानों में पड़ा, उन्होंने सबको कहा कि खामोशी इख्तियार की जाए, और अचानक से देखा गया कि कुछ अफराद ने खामोशी
اختیار نہ کی جس پر سلمان خان شدید برہم ہو گئے اور سب کو ڈانٹ پلا دی۔ صرف سلمان خان ہی نہیں بلکہ بھارتی مشہور اداکارہ سشمیتا سین کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ بیشتر مقامات پر قرآن پاک کی آیات پڑھتی، سورہ اخلاص پڑھتی نظر آتی ہیں اور ہر بات کے جواب میں ماشاء اللہ بھی کہتی ہیں۔ دوستو ان کی جانب سے اسلام کی اس قدر پذیرائی کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے بھارتی اداکار اور شدت پسند ہندو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ اکثر ان کے خلاف زہر بھی اگلتے رہتے ہیں۔ دوستو اس حوالے سے بھی آپ کو کیسے دن بتائیں گے، لیکن آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے امیتابھ بچن کی جانب سے قرآن پاک کے مطالعے اور اس کے بارے میں ان کے تجربات کی۔ آئیے دوستو آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امیتابھ بچن بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا اور اس کا ترجمہ سمجھنا شروع کیا تو ان کی زندگی میں کچھ معجزانہ تبدیلیاں آ گئیں۔ دوستو قرآن مجید وہ پاک کتاب ہے جو اپنے پہلے سپارے کے آغاز سے ہی یہ چیلنج پیش کرتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، یعنی اگر تم کچھ کر سکو تو اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ۔ دوستو یہ تا قیامت چیلنج ہے اور آج تک کوئی انسان، دنیا میں بسنے والا کسی بھی مذہب کا سائنسدان، فلسفر، لکھاری، شاعر، مصنف ایسا کلام بنا نہیں سکا ہے، قرآن پاک جیسی ایک آیت تک نہیں لکھ سکا ہے۔ دوستو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یعنی تا قیامت اس کتاب کے ایک حرف میں بھی کوئی لفظ کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ دوستو لہٰذا قرآن مجید کی درستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ چونکہ قرآن مجید میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے اور اس میں دیا گیا پیغام دلوں میں اتر جانے والا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے تو قرآن پاک اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ پہلے سے کوئی رائے قائم کیے بنا قرآن کریم کو سمجھ رہا ہو۔ قرآن کریم کی اسی حقانیت کا اعتراف بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن نے کیا جب لگ بھگ 50 برس سے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں پر حکمرانی کرنے والے کا اپنا دل بے چین ہوا، وہ پریشان ہوئے، زندگی مشکل لگی تو انہوں نے قرآن مجید کی جانب رخ کر لیا۔ انہیں کسی سمجھدار مسلمان نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھا کرو، اسے سمجھا کرو۔ انہوں نے عمل شروع کیا تو ان کی زندگی اور ان کے دل میں قرار آ گیا۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر امیتابھ بچن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کچھ ٹویٹ کر کے اس بات کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ ان کے دل میں اتر رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ بھی شیئر کیا جس کا مفہوم تھا کہ جو کچھ انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سطح پر بقا اور سلامتی اور ذاتی زندگی میں امن و امان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ایک اچھا نسخہ ہے۔ امیتابھ بچن نے اپنے اس پیغام کے ذریعے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ اس سے پہلے بھی امیتابھ بچن جب شدید بیمار ہوئے تھے اور کئی دن تک انہوں نے اسپتال میں گزارے تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ پیش کیا تھا جو اس بات کا غماز تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی سکون قلب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امیتابھ بچن کی اسلام میں دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کبھی کبھار وہ اولیاء کرام کے مزارات پر دیکھے گئے ہیں اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ حال ہی میں امیتابھ بچن کو ان کے پروگرام کے دوران ایک شخص نے جب قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا تو امیتابھ بچن نے نہ صرف قرآن پاک کے اس نسخے کو خوشی سے قبول کیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دوستو لگتا یہ ہے کہ امیتابھ بچن نے اب وعدے پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ٹویٹر پر قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو جس پروگرام کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے وہ پروگرام جب ٹیلی ویژن پر آن ایئر گئی تو بھارت میں موجود ہندو انتہا پسندوں کو تو جیسے آگ لگ گئی اور انہوں نے امیتابھ بچن پر تنقید شروع کر دی کہ امیتابھ بچن نے قرآن پاک ہاتھ میں تھام کر اس خواہش کا اظہار کیوں کیا کہ وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو انڈورس کیوں کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت میں کچھ مسلمانوں نے بھی امیتابھ بچن کے اس ایکشن پر اعتراض کیا۔ بھارت کے شہر الہ آباد میں عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ امیتابھ نے اس پروگرام میں قرآن پاک کے لیے رچایا گیا کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اسے زمین پر ہی ترتیب دیا گیا۔ مگر ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی اور اپنے فیصلے میں بتایا کہ امیتابھ بچن کا قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ کسی شخص نے لکھا ہے، بلکہ اس لفظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی جانب سے نازل کیا گیا۔
नाज़रीन, भारतीय अदालत की जानिब से भी कुरान पाक के हवाले से इस तरह का फैसला आने के बाद लाखों मुसलमानों के दिल ईमान से ताज़ा हो गए। दोस्तों, भारत के बेशतर अदाकार ऐसे हैं जो कि इस्लाम के बहुत करीब नजर आते हैं, जिसकी कुछ झलकियां हमने वीडियो के आगाज में आपको बताई। उनमें से एक सुष्मिता सेन भी हैं, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान एक महफिल में सबके सामने सूरह असर की तलावत करके सब मुसलमानों और दुनिया भर के इंसानों को हैरान कर दिया। न सिर्फ तिलावत की बल्कि सुष्मिता सेन ने इसका तर्जुमा भी लोगों के साथ शेयर किया, जिससे मालूम होता है कि भारत की बड़ी बड़ी अदाकाराएं और बड़े बड़े फिल्म स्टार भी इस्लाम को समझते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से इसके कायल हो चुके हैं, मगर भारत में मुसलमानों पर एक दबाव के बायस वो खुल्लम खुल्ला इसका इजहार नहीं कर सकते। सुष्मिता सेन की जानिब से ऐसा किए जाने के बाद बहुत से हिंदू इंतहा पसंदों ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो छुपकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन सुष्मिता सेन ने कहा कि वो अक्सर आसमानी किताबों की तरह कुरान पाक का भी मुतालिया करते हैं और सूरह असर में चूंकि इंसान के बारे में बहुत बड़ी हकीकत बयान की गई है, चुनाचा ये मुख्तसर सी सूरत उनके दिल में उतर गई है। दोस्तों, यही कुरान मजीद फुरकान हमीद का एजाज है कि कुरान पाक एक जिंदा मौजज़ा है। वो अपनी हक्कानियत, सद्दाकत और अपनी दुरुस्तगी और अपनी आलमगीरियत की वजह से गैर मुस्लिमों के दिलों में भी उतर जाता है। दोस्तों, पेरिस के एक डॉक्टर का बड़ा दिलचस्प वाकया है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पेरिस के एक डॉक्टर ने इस गर्ज से कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया कि शायद वो इससे कोई गलती ढूंढ निकालेगा, लेकिन कुरान पाक में सिर्फ एक आयत के जरिए उस डॉक्टर की हालत बदल गई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये डॉक्टर पेरिस के एक कामयाब डॉक्टर होने के अलावा फ्रेंच हुकूमत के अहम ओहदेदार भी थे। इस्लाम कबूल करने के बाद वो हुकूमत से अलग हो गए और पेरिस छोड़कर फिर फ्रांस के एक छोटे से गांव में रिहायश इख्तियार की और अल्लाह की राह में ही निकल पड़े, इंसानियत की खिदमत करने लगे। जब वो अलग थलग दुनिया से रहने लगे तो महमूद मिस्री नामी एक सहाफी उन तक पहुंच गया। इस सहाफी ने उनका इंटरव्यू करना चाहा और इंटरव्यू में सवाल किया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि कुरान पाक की सिर्फ एक आयत ने मुझे ईसाई से मुसलमान कर दिया। सहाफी ने पूछा, क्या आपने कुरान पाक किसी मुसलमान आलिम से पढ़ा है? दरअसल सहाफी ने यह सवाल बदनीयती की मबनी पर किया कि शायद इन्हें किसी मुसलमान आलिम ने अपने तरीके से गलत तर्जुमा करके बहका न दिया हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसका भी बहुत अच्छा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि अभी तक मेरी किसी मुसलमान आलिम के साथ मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर समंदरी सफर में रहने का इत्तफाक हुआ है। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी और आसमान के दरमियान समंदर में ही गुजरा है। इसी तरह सफर में एक बार मुझे कुरान पाक का फ्रांसीसी तर्जुमा मिला। मैंने इस नियत से ये तर्जुमा खोला कि शायद मैं कुरान पाक से कोई गलती तलाश कर सकूं और कुरान पाक को गलत साबित कर सकूं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उनके सामने सूरह नूर की एक आयत सामने आई। उन्होंने कहा कि मैंने इस आयत को बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, जिसमें समंदरी नजारे की कैफियत मुख्तसरन बयान की गई थी। जब मैंने ये आयत की तलावत की तो मैं अंदाजे बयां और इसमें दिए गए पैगाम से हैरान रह गया। मेरे जहन में यह आया कि शायद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर एक ऐसे शख्स होंगे जिनके रात और दिन मेरी तरह समंदर में ही गुजरे होंगे। तभी वो इस कैफियत को इंतहाई मुख्तसर अंदाज में इतने कामयाब तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये डॉक्टर गरीनिया कहते हैं कि इस बात के कुछ ही अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जिंदगी में समंदर का सफर ही नहीं किया। इस इंकशाफ के बाद मेरा दिल रोशन हो गया। मैंने ये जान लिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज नहीं थी, बल्कि ये उस रब का कलाम है जो रात की तारीकी में हर सुनने वाले और समझने वाले को देख रहा होता है। और इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास कोई चारा ना था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। दोस्तों, हमने जितने भी वाकयात आपके साथ शेयर किए हैं ये हकीकत पर मबनी हैं, आप इनकी तलाश भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाकयात आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी कुरान पाक को समझ सकें। दोस्तों, अलामा इकबाल का इंतहाई मशहूर शेर है, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दरअसल हम मुसलमानों ने कुरान पाक को समझना छोड़ दिया है। हम बाज़ औक़ात रमज़ान या दीगर किसी अहम मौके पर कुरान पाक की तलावत तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी रूह को समझने की कोशिश नहीं करते। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कुरान पाक को अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन महीनों और दिनों तक उसे खोल कर नहीं देखते। दोस्तों, अल्लाह ताला का ये इतना बड़ा तोहफा हमारे घर में है, मगर हमें शायद इसका एहसास नहीं है।
आए मिलकर आज ये वादा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान पाक खोलने, उसे पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से इत्तफाक कर रहे हैं, इसके पैगाम को समझ रहे हैं, कमेंट में आमीन लिखिए और बताइए कि आप भी आज के बाद इंशाल्लाह कुरान पाक को समझने की कोशिश करेंगे और इसका फलसफा दीगर लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये वाकयात महज सुनाने के लिए नहीं है, इन वाकयात से सबक सीखना चाहिए। ये वाकयात हमें बताते हैं, हमें बार बार एहसास दिलाते हैं शायद हम भटक गए हैं, सीधे रास्ते पर आ जाओ। दोस्तों, गैर मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख, तमाम तर मजाहिब के लोग कुरान पाक को समझकर कुरान पाक की जानिब आ रहे हैं, जबकि अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान नाशुक्री में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि हम कुरान पाक को समझना गवारा नहीं करते। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाइए, घर पर वालिदैन को सुनाइए ताकि वालिदैन अपने बच्चों पर उन्हें समझा सकें कि कुरान पाक की जानिब वो रागिब हो जाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी स्क्रीन पर नजर आने वाला रेड आइकन सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी इस्लामी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचाएं वो आप तक बरवक्त पहुंच सके और आप देखकर अपनी जिंदगियों को बदल सकें। क्या आप इरादा करते हैं कि आप आज के बाद अपनी जिंदगी को इस्लाम के रास्ते पर ढाल लें या दीगर मजाहिब की नफरत से निकल कर एक अल्लाह की पैरवी करने की जानिब बढ़ेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया दोस्त। थैंक यू सो मच भाई साहब, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही अच्छा इन्होंने हमको पैगाम दिया, एंड इट वाज सो इन्फॉर्मेटिव। जो भी ट्वीट्स अमिताभ बच्चन जी ने करे थे और जितने भी उनके स्टेटमेंट्स आए थे वो विद प्रूफ अवेलेबल थे। सुष्मिता सेन जी के आप इंटरनेट पे वीडियोस देख सकते हैं कुरान शरीफ की तिलावत करते हुए, और उनके इर्द गिर्द सारे हिंदूज ही बैठे हुए, तो अगर उन पर कोई ऑपरेशन होता, दबाव होता कि मुस्लिम कम्यूनिटी को प्रमोट मत करो, सपोर्ट मत करो, कुरान करीम, अल्लाह की किताब की तिलावत मत करो, तो क्या वो कर पाती? क्या वो पब्लिकली इतना खुल करके आयत बोल पाती? इम्पॉसिबल, राइट? तो जो लोग अपोज करते हैं, प्लीज़ आप उन्हें हिंदूज कह करके संबोधित करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई सनातन धर्म को अच्छे से पढ़ेगा ना तो वो जानता है कि खुदा एक ही है, भगवान एक ही है, हम सबका क्रिएटर एक है। अब जैसे कि इन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी तक ने उनका एतराज़ किया था कि उन्होंने रचाई गई कहा, तो ये तो सोचने वाली बात है कि अमिताभ बच्चन साहब पैदाइशी मुसलमान नहीं है या उन्होंने इस्लाम को बचपन से एक्सप्लोर नहीं किया, तो कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं, बट इन दी एंड उसकी जो आउटकम है वो हिदायत देने वाली है। आप समझ रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति की बात हो रही थी, वो इतना बड़ा अरबों लोगों की व्यूअरशिप वाला प्रोग्राम है, तो वहां पर अगर कुरान शरीफ को प्रमोट किया गया तो आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया भर में अल्लाह का पैगाम दिया गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जो नबी पाक थे, आखिरी पैगंबर थे, रसूल अल्लाह थे, यही कहते थे कि ये जो इस्लाम दीन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। और हाँ, रमज़ान मुबारक दोस्त, आज इस टॉपिक के अंदर इतना हम खो गए ये सब चीज़ें जानने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है कि मैं रमज़ान मुबारक करना ही भूल गई, पर मुझे अच्छे से पता है कि आप अपना रोज़ा रखना नहीं भूले होंगे और अपने ईमान पर अड़िग रहना तो कभी भूल ही नहीं सकते। एक मोमिन की यही तो पहचान है कि वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है और अपने ईमान पर कायम रहता है। तो ऐसे वीडियोस जिनसे हम सभी के दिलों में अल्लाह की इबादत करने की फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, वो हम साथ बैठकर के एक्सपीरियंस करते रहेंगे, और अल्लाह सुभान व तआला जो आपको असीमित बरकत देता है ना, उस नूरानी शक्ति को भी अपने दिलों में पनपाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।